हर व्यक्ति को लगता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है, उसके पास उसकी पसंद की कोई भी चीज़ नहीं है और उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जब वह व्यक्ति औरों की ज़िंदगी की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो उससे भी ख़राब ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, और उसके बावजूद भी वह अपनी ज़िंदगी के प्रति बहुत ही ज़्यादा थैंक्सफुल रहते हैं। दोस्तों, कभी आप अस्पताल में जाकर देखिए, वहाँ आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास इलाज कराने की तक के पैसे नहीं हैं, और कईयों के पास तो पैसे हैं लेकिन उससे भी उनकी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा। दोस्तों, इस चीज़ को हम नज़रअंदाज तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन झुठला नहीं सकते कि अगर शरीर है तो उसमें बीमारी भी ज़रूर होगी। इसलिए हमें हमेशा आने वाली बीमारियों को लेकर हमेशा तैयार रहना चाहिए और हमेशा हमें एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखना चाहिए, ताकि कभी हम या हमारा परिवार किसी बीमारी के साथ ग्रस्त हो तो हम उस फंड का इस्तेमाल करके अपने परेशानियों को दूर कर सकें। दोस्तों, कभी आप सरकारी अस्पताल में जाकर देखो, वहाँ पर लोगों के पास अपना इलाज कराने के लिए 5 से 10 हज़ार तक की छोटी रकम भी नहीं होती, जबकि इतना पैसा आप रोज़ाना उड़ा देते होंगे यह सोचकर कि आखिर इंसान कमाता क्यों है, अगर आज हम इंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इस सोच में आप अपने पैसे को एंजॉयमेंट में खर्च कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा थैंक्सफुल रहना चाहिए कि आपके पास पर्याप्त पैसा है। और दोस्तों, जब आप अपने पैसे को बेफिजूल खर्च में खर्चा करें तो आप एक बात ज़रूर सोचें कि आपके आसपास कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा कि जिसके पास दवाई खरीदने तक के लिए पैसे नहीं होंगे। हो सकता है ये सोचने के बाद आप गैर ज़रूरी चीज़ों पर बेफिजूल खर्ची करना बंद कर दें और अपने फ्यूचर के लिए पैसा जमा करना शुरू कर दें। दोस्तों, कई लोगों का सोचना है कि जो दिक्कत सामने वाला व्यक्ति झेल रहा है, क्या मेरे ऊपर भी वो दिक्कत कभी आ सकती है, क्या ज़रूरी है कि वो दिक्कत मेरे ऊपर भी आए। लेकिन दोस्तों, क्या इस बात की भी कोई गारंटी है कि क्या वो दिक्कत आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। दोस्तों, मैं भी नहीं चाहता कि आपके या मेरे ज़िंदगी में कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आए। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो पैसा मैं और आप बेफिजूल खर्चे में खर्च करते हैं, बेफिजूल खर्चे में उड़ा देते हैं, वह पैसा हम अपने बुरे समय के लिए संभाल कर रखें, ताकि बुरे समय में हमें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।